फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इज द एडिशनल रिस्क कंसेंट्रेटेड ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। वही बात, जब आप लोन लेंगे तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ गया ना। बिजनेस का रिस्क बढ़ेगा तो ओनर्स का रिस्क बढ़ेगा, ओनर तो शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज फाइनेंशियल रिस्क। इक्विटी उतनी रहेगी, रिस्क बढ़ जाएगा ना, परसेंटेज भी कम हो जाएगा। अगर वो, अगर आप उस तरह बात करते हैं डेट और इक्विटी कम हो सकता है, जरूरी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये उस सूरत में जब आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपने लोन लिया है और उसकी वजह से आपका बिजनेस भी एक्सपेंड हो गया है, आपके रेवेन्यूज भी बढ़ गए हैं, तो फिर हाँ तो डिपेंड्स बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि डेट की वजह से आपकी रिटर्न ऑन एक्विटी कम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी डेट की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा हो गए हैं तो फिर नहीं कम होगा, हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन अगर आपके रेवेन्यू उतना ही है, सेल्स उतना ही है और आपने लोन लिया है, तो फिर आपकी रिटर्न ऑन एक्विटी कम हो जाएगी। बिजनेस रिस्क के तो अभी हमने देख लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हमने 7-8 फैक्टर्स देखे थे, कंपटीशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड ओनली ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यू। फाइनेंशियल रिस्क तो डेट पे डिपेंड करता ना, मोर डेट मीन्स मोर फाइनेंशियल रिस्क। इट कंसेंट्रेट फाइनेंशियल रिस्क कंसेंट्रेट रिस्क ऑन स्टॉक होल्डर्स सिंस डेट होल्डर रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड बियर नन ऑफ द बिजनेस रिस्क। लोन लेने से शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ता ना, जो जो लोन देने वाले उनका तो रिस्क नहीं बढ़ता। वजह उसकी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस लोन को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है ना, आपने कोई ना कोई उसका एसेट अपने पास सिक्योर कर लिया। तो इवन इफ द बैंक बिजनेस गो आउट ऑफ द, यानी बिजनेस गो बैंकक्रप्ट, स्टिल यू विल बी एबल टू रिकवर योर अमाउंट। से वो यानी वो जो डेट देने वो जो जो वो अपना पैसा तो रिकवर करते, उनको पैसा भी रिकवर हो जाना है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी, तो उनका तो रिस्क नहीं है, रिस्क तो शेयर होल्डर्स का बढ़ गया। तो ये दो इसके रीजंस हो गए फाइनेंशियल रिस्क में। नाउ लेट अस डिस्कस के जी हाउ फाइनेंशियल लीवरेज अफेक्ट योर बिजनेस। फाइनेंशियल लीवरेज का इफेक्ट क्या आता है बिजनेस के ऊपर, या रिटर्न ऑन इक्विटी की हमने बात की, उसको किस तरह से इफेक्ट करता है। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू फर्म्स, वन विद द लीवरेज एंड वन विदाउट लीवरेज, यानी वन विद जीरो डेट एंड द अदर विद सम डेट, ठीक है। दो ये फर्म यू जो है दैट इज अनलीवर्ड फर्म, मीन देर इज जीरो डेट, इसके पास कोई डेट नहीं है। और फर्म एल को हम ले रहे हैं लीवरेज्ड फर्म, विद देर वी हैव अ $10,000 जो है इसमें लोन है, जिसपे हमें 12% इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। बोथ द फर्म्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ डेट ओनली, एक ही चीज जो डिफरेंट है, बाकी सेम है। टैक्स रेट दोनों का 40% है, एसेट्स दोनों के बराबर हैं, 20,000 एसेट्स हैं। अच्छा, जो फर्म लीवरेज फर्म है उसमें 20,000 एसेट्स हैं, तो उसमें से 10,000 इक्विटी होगी, 10,000 डेट होगा, क्योंकि 10,000 उन्होंने डेट लिया, जबकि फर्म यू के अंदर 20,000 के एसेट सारे के सारे इक्विटी फाइनेंस्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब वी कंसिडर थ्री डिफरेंट सिचुएशन। हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि जी इकॉनमी के अंदर, यानी डेट का क्या इफेक्ट आएगा कंपनी के नेट इनकम के ऊपर, इस डेट की वजह से कंपनी का नेट इनकम किस तरह से इफेक्ट होगा। तो पहले हम अनलीवरेज्ड फर्म को देखते हैं, जी इसमें डेट कोई नहीं है, ठीक है। वी हैव दिस प्रोबेबिलिटी, हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है कि जी हमारा एक्सपेक्टेशन ये इकॉनमी 25% प्रोबेबिलिटी है कि इकॉनमी जो है ना उसके बैड होने के प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि एवरेज इकॉनमी रहेगी, और 25% प्रोबेबिलिटी है कि इकॉनमी विल बी गुड। तीनों पे हम रख के, तीनों सिचुएशंस के अंदर हम रख के देखते हैं कि जी नेट इनकम क्या होती है। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम। अच्छा, ये चेंज इसमें आएगा ना, अगर इकॉनमी बैड है तो आपकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी, दैट इज $2,000। अगर एवरेज है तो थोड़ी बेहतर होंगी, एवरेज होंगी, और अगर इकॉनमी गुड है तो वहाँ पे आपकी अर्निंग और बेहतर हो जाएंगी। बस ये डिफरेंस है, बाकी इस केस के अंदर हमारा इंटरेस्ट जीरो है, वी डोंट हैव अ लोन, तो इंटरेस्ट जीरो आ जाएगा। ईबीटी जो है, ईबीआईटी और ईबीटी सेम आ गया ना दोनों, क्योंकि इंटरेस्ट जीरो है। अब इसके ऊपर हमने
40% टैक्स कैलकुलेट किया है और नेट इनकम आ गया. तो बैड, अगर इकोनॉमी हमारी बैड है तो देर वी सी दैट नेट इनकम विल बी 1200, एवरेज में 1800 और गुड के अंदर 2400, तीनों के अंदर हमने कैलकुलेट कर. अब यही कैलकुलेशन हम लीवरेज्ड फर्म के लिए करते हैं. सेम हमने लिया, प्रोबेबिलिटी वही 25%, 50% और 25%. EBIT भी सेम है, 2000, 3000 और 4000. फर्क कहाँ पे आया, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया. हमने $10,000 लोन लिया हुआ जिसपे 12% इंटरेस्ट है, वो 1200 आ जाएगा. 2000 EBIT में से 1200 माइनस किया तो EBT 800 आ गया, उसमें से 40% टैक्स माइनस किया तो हमारे पास नेट इनकम 480 आ गया. इसी तरह से हमने एवरेज और गुड तीनों की हमने कैलकुलेशंस कर ली. अब जब हमने ये कैलकुलेशंस कर ली, अब हम देखते हैं कि जी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज. ठीक है ना, ये नेट इनकम से तो हमें इतना आइडिया नहीं मिलेगा ना, वो तो हम जब इसकी रेशियोज में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी किस फर्म का क्या चल रहा है. पहले हम अनलीवरेज्ड फर्म की रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. बेसिक अर्निंग पावर, बेसिक अर्निंग पावर का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है ना, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट करके हमने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया. तो वो EBIT और टोटल एसेट्स हमने पीछे से उठाया ना, ये है अनलीवरेज्ड फर्म. यहाँ पे आप देख लें EBIT 2000 है और टोटल एसेट्स इसके 20,000 है. ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 20,000 10% आ जाता है. ठीक है, इसी तरह 15%, इसी तरह 20%. तो ये था बेसिक अर्निंग पावर आ गया. रिटर्न ऑन एक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाई एक्विटी, टोटल एक्विटी. तो नेट इनकम हमने यहां से उठा लिया 1200, 1800, 2400, इसको डिवाइड किया एक्विटी से. 100% एक्विटी है अनलीवरेज फर्म में, 2000 हो गया ना. तो 1200 डिवाइड बाई 2000, 1800 डिवाइड बाई 2000, 2400 डिवाइड बाई 2000, ये हमारे पास ये आ गया रिटर्न ऑन एक्विटी 6%, 9% और 12%. टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट या इंटरेस्ट डिवाइड बाय EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो है, तो किसी चीज को भी आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो तो इनफिनिटी में चला जाएगा. तो मतलब इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकता, है ही नहीं है बेसिकली. टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इंटरेस्ट इज जीरो. ये हो गया अनलीवरेज्ड फर्म. यही कैलकुलेशंस अब हम लीवरेज्ड फर्म की करके देखते हैं. बेसिक अर्निंग पावर इज द सेम, 10, 15 और 20, कोई चेंज नहीं है. रिटर्न ऑन एक्विटी 4.8, 10.8, 16.8. क्या चीज नजर आई जी, दोनों को कंपेयर करें ना, रिटर्न ऑन एक्विटी को एवरेज में उसमें एवरेज और गुड में रिटर्न ऑन एक्विटी बेहतर आएगी लिवरेज फर्म की, और अगर इकोनॉमी बैड है तो वहां पे कम आ जाएगी. ठीक है, यानी वो डिपेंड करेगा ना आपके रेवेन्यूज के ऊपर. तो रेवेन्यूज आपके उधर गिर गए हैं बैड में, तो वो तो आपका यानी रेवेन्यू गिर गए और कॉस्ट उतनी रही, तो जाहिर है फिर आपका रिटर्न ऑन एक्विटी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा. जबकि एवरेज और गुड के अंदर आपके रेवेन्यूज बढ़े हैं, ठीक है, बेशक आपकी एक्विटी उतनी है तो उसकी वजह से एवरेज और गुड बेहतर हो जाएंगे. यहाँ पे टाइम इन इंटरेस्ट अर्न हमने कैलकुलेट कर लिया EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो आप देख लें. अच्छा जी, बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन व्हाट कैन वी कंक्लूड, हमें देखना ये है कि कौन सी फर्म रिटर्न ऑन एक्विटी किसका बेहतर. यानी दो चीजें हम देखना चाहते हैं, रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क ऑन रिटर्न को हम कंपेयर करना चाहते हैं ना बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन. रिटर्न के लिए हम ये तीन रेशियोज देख लेते हैं, ये जो बेसिक अर्निंग पावर, रिटर्न ऑन एक्विटी और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. बेसिक अर्निंग पावर, अच्छा ये वैल्यूज हम एवरेज वाली उठा रहे हैं. एवरेज के ऊपर क्या है, एवरेज ये है, ऑन एवरेज बेसिक अर्निंग पावर विल बी द सेम, उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा. लेकिन रिटर्न ऑन एक्विटी जो है वो लीवरेज्ड फर्म की बेहतर है कंपेयर टू अनलीवरेज्ड फर्म, तो इसका मतलब रिटर्न बेहतर आ रहा है लिवरेज फर्म का. रिस्क के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं रिटर्न ऑन एक्विटी का. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उस
उससे कम ज्यादा मीन से कितना डेविएट करता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बताता है कि कौन सी वैल्यू मीन से कितनी ज्यादा डेविएट करती है। तो जो वैल्यू मीन से ज्यादा डेविएट करेगी, किस वैल्यू को हम देख रहे हैं, हम रिटर्न ऑन एक्विटी को देख रहे हैं। रिटर्न ऑन एक्विटी का मीन जो है उससे कितनी ज्यादा डेविएशन है, जितनी उससे ज्यादा डेविएशन होगी इसका मतलब है वो स्विंग बड़ा आ रहा है, आपका रिस्क फैक्टर बड़ा हो जाएगा। जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आएगा वो ज्यादा रिस्की फर्म है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा वो कम रिस्की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्म यू है उसका 2.12 है, जबकि जो लीवरेज फर्म है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4.24 है, ज्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है रिस्क ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ये तो फाइनेंस यही कहता ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो दोनों चीजें यहाँ पे हमें कंक्लूड हो रही हैं कि लीवरेज की वजह से, फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से आपका रिटर्न भी बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी इंक्रीज होता है। अच्छा, रिस्क के लिए एक और हमने काम किया, हमने कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस कैलकुलेट कर लिया। कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन है शायद, इसका फॉर्मूला आप देख लें तो वो हमारे पास निकल आता है। वो भी हमारा फर्म लीवरेज फर्म का ज्यादा आ रहा है, जो कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस है वो भी यही बताता है कि कितनी वेरिएशन है। तो जिसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन वेरियंस ज्यादा आता है वो ज्यादा रिस्की है। कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस जो है वो भी फर्म लीवरेज फर्म का हाई है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें हमारी, वो जो हमारी डिस्कशन थी कि जी फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से रिस्क बढ़ता है वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया, और ये कि उसके जैसे रिटर्न बढ़ता है वो भी यहाँ पे रिस्क बढ़ता है। तो रिस्क भी हम दोनों, रिस्क के दोनों मेजर्स यही बता रहे हैं कि लीवरेज फर्म का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी हाई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका हाई है। सो दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर, द इफेक्ट ऑफ लीवरेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेट कवरेज। फॉर लीवरेज फर्म टू रेज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एक्विटी मस्ट हैव बेसिक अर्निंग पावर greater than cost of debt, यानी ये जो हमने कहा ना कि यानी financial leverage की वजह से आपका return बढ़ेगा, उसके लिए condition ये है। उसकी condition क्या है कि अगर आप जो loan ले रहे हैं उसमें basic earning power cost of debt से ज्यादा है तो ये ठीक है, फिर ये वाली बात जो है वो prove हो जाएगी, वहां पे आपको फायदा है, ठीक है ना। यानी कॉस्ट कम है और रिटर्न ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, आरडी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेट या रिटर्न ऑन डेट, कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन बेसिक अर्निंग पावर, कॉस्ट ज्यादा है रिटर्न कम है, तो देन इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी हायर देन द ऑपरेटिंग इनकम प्रोड्यूस्ड बाय डेट फाइनेंस एसेट, सो लीवरेज विल डिप्रेस इनकम। यानी आप जोश में आके कहेंगे जी लोन ले लेते हैं जनाब, इसकी वजह से तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है। रिटर्न ऑन एक्विटी बढ़ने के लिए पहले आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस उस कॉस्ट क्या है उसकी जो आप लोन ले रहे हैं, और आपकी बेसिक अर्निंग पावर किधर है। अगर आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, बेसिक अर्निंग पावर ज्यादा होगी, तो फिर तो ठीक है, फिर आप लोन लेंगे तो आपका रिटर्न ऑन एक्विटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, कॉस्ट ज्यादा है और बेसिक अर्निंग पावर कम है, तो फिर आप लोन लेंगे ज्यादा तो वो बढ़ने के बजाय आपकी रिटर्न ऑन एक्विटी कम हो जाएगी। अच्छा, एज डेट इंक्रीजेस टाइम इंटरेस्ट अर्न डिक्रीजेस बिकॉज ईबीआईटी इज अनइफेक्टेड बाय द डेट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीजेस। ठीक है, लोन बढ़ने से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ने से ईबीआईटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका टीआईई टाइम्स इंटरेस्ट अर्न जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लीवरेज on profitability and debt coverage. Cost of debt, अच्छा यानी लोन जब आप बढ़ाते हैं तो cost of debt भी बढ़ता है, cost of equity भी बढ़ता है। ये भी हमने पीछे भी देखा कि financial leverage की वजह से आपकी cost of equity भी बढ़ती है ना। अच्छा, किस तरह से इफेक्ट करता है यानी जो आपका लोन है, how it is going to affect the cost of debt and how it is going to affect your bond rating. एक firm है जो 250 million का let's say loan ले रही है, अगर वो 250 million का loan लेती है तो उसको 12.5% पे, sorry debt to total asset ratio है,
डेट 12.5% होगा ऑफ द टोटल एसेट्स उस केस के अंदर. डेट टू एक्विटी कितनी आ रही है उसकी, डेट टू एक्विटी रेशियो इज 14.3. बॉन्ड रेटिंग इज स्ट्रॉन्ग, डबल ए, यानी अभी इसकी जो है ना डेट टू एक्विटी जो है वो कम है और डेट टू टोटल एसेट्स भी कम है. स्टेबल हो गई ना फर्म, मतलब एसेट आपके पास तगड़े पड़े हैं, उतना आपने लोन नहीं लिया हुआ तो स्टेबल है ना फर्म. बॉन्ड रेटिंग उसकी बेहतर आएगी, डबल ए. अच्छा ये डबल ए ये कम हो रही है ना, डबल ए इज द हाइएस्ट बॉन्ड रेटिंग, यानी रेटिंग एजेंसीज उसको सिक्योर कंसिडर करते हैं कि जी इस बिजनेस में अभी रिस्क कम है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता. रिस्क कम है तो फिर उसका कॉस्ट ऑफ डेट भी आप देखें कम है, 8% पे है. ये फर्म जो है वो 8% पे लोन ले सकती है. अगर ये फर्म 500 मिलियन लोन पे जाती है तो आपका डेट टू एसेट रेशियो चेंज हो जाता है, डेट 25% बन जाता है आपके टोटल एसेट्स का. जब डेट का पोर्शन बढ़ता है तो अब जो है ना आपकी जो बॉन्ड रेटिंग है वो नीचे चली जाएगी, रिस्क बढ़ गया ना, रिस्क बढ़ने की वजह से बॉन्ड रेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, डबल ए से नीचे आके ए पे आ गई. और बॉन्ड रेटिंग कम होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ डेट ऊपर चली जाएगी, यानी जो लोन देने वाले हैं वो भी कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए. और 750 पे चले जाएं, 750 मिलियन पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो डेट का पोर्शन जो है टोटल एसेट में 37.5 पे चला गया, और ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा हिस्सा हो गया. डेट और एक्विटी 60% डेट है, 40% एक्विटी है, तो इट मीन्स कि बिजनेस ज़्यादा रिस्की है. बॉन्ड रेटिंग ए से नीचे आके ट्रिपल बी पे आ गई और कम होगी बॉन्ड रेटिंग. बॉन्ड रेटिंग कम होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगा, 11.5% पे अब आप ये लोन ले सकते हैं. अच्छा 1000 वही, अगर 2 मिलियन के एसेट्स थे तो 1 मिलियन आप लोन लेना चाह रहे हैं, यानी 50% डेट और 50% डेट कॉन्ट्रीब्यूट इन टोटल एसेट्स, और डेट टू एक्विटी बराबर आ गया, यानी दोनों इक्वल हैं, 50-50 हो गया, तो बॉन्ड रेटिंग और नीचे आ जाएगी, रिस्क ज़्यादा बढ़ गया, बॉन्ड रेटिंग फर्दर डिक्लाइन, और उसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ डेट विल गो अप, 14% पे आपको ये लोन मिलेगी. ठीक है ना, तो ये दिस इज़ हाउ डेट इज़ रिलेटेड टू योर कॉस्ट ऑफ डेट. जितना लोन का पोर्शन बढ़ता है, डेट का पोर्शन बढ़ता जाएगा, रिस्क बढ़ता जाएगा, रिस्क बढ़ता जाएगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज होती जाएगी. ये यहाँ पे कंक्लूड, एज द फर्म बोरोज मोर मनी द फर्म इंक्रीजेज इट्स फाइनेंशियल रिस्क कॉजिंग द फर्म्स बॉन्ड रेटिंग टू डिक्रीज एंड इट्स कॉस्ट ऑफ डेट टू इंक्रीज, जो हमने उस टेबल में देखा. रेटिंग एजेंसीज है ना, वो आपके बिजनेस की जो डेट की कैपेबिलिटी है उसको रेट करते हैं कि जी कितना स्टेबल है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना कितना जो है वो रिस्की है कितना, तो उस हिसाब से वो रेटिंग करते हैं. वो रेटिंग इसी बेस पे करते हैं कि बिजनेस की एसेट्स कितने हैं और उसमें उसकी डेट का ऑल रिलायंस ऑन डेट कितना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ. फाइनेंशियल यानी अगर कंपनी के फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग फिक्स्ड एसेट्स उनके पास ज़्यादा हैं और उस हिसाब से उनका डेट कम है तो वो स्टेबल कंपनी है, रिस्क कम है उस बिजनेस के अंदर. कंक्लूजन जी, बेसिक अर्निंग पावर इज अनइफेक्टेड बाय फाइनेंशियल लीवरेज. बेसिक अर्निंग पावर का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय एसेट्स, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लीवरेज्ड हैज हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न. अच्छा जो एल फर्म, एल की बात कर रहे हैं, लीवरेज्ड फर्म, उसमें हमने ये देखा था लीवरेज फर्म के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ज्यादा है, इसलिए उसकी कंडीशन यही थी कि उनकी बेसिक अर्निंग पावर जो थी उनकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है. ठीक है, ये कंडीशन हो गई. थर्ड हमने ये देखा कि लीवरेज फर्म हैज वाइडर रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस जो हमने कैलकुलेट किया था, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इट्स हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज अकॉम्पनीड बाय हायर रिस्क. तो ये जो है ना हमारे पास उस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये आ गया कि जी जब आप फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ जाते हैं, लोन की तरफ जाते हैं, तो लोन की वजह से आपका रिटर्न बढ़ता है लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी इंक्रीज कर जाता है. विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, 40-40, 40-60, 50-50, 70-30, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है? तो ये कोई भी परसेंटेज बेस्ट नहीं है. बेस्ट वो है जहाँ पे ये दो कंडीशन से आप दो तरह से आप जज कर सकते हैं कि ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है. नंबर वन, मिक्स ऑफ डेट, यानी वो कॉम्बिनेशन डेट और एक्विटी का जहाँ पे एट विच
पी नॉट इज मैक्स नाई, पी नॉट इज योर शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस, यानी आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी स्टॉक प्राइस चल रही है साल, दो साल, पांच साल से पिछले चल रहा है आपका ना, वहां से आप देख लें किस पॉइंट पे आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमम थी। जिस पॉइंट पे आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमम थी उस वक्त आपका क्या कॉम्बिनेशन था डेट और इक्विटी का, वो आपका ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है। एक तरीका ये है, ठीक है, वन वे ऑफ फाइंडिंग योर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज बाय लुकिंग इन एट योर स्टॉक प्राइस, के जी आपके शेयर की स्टॉक प्राइस क्या थी, जहां पे आपकी शेयर की स्टॉक प्राइस मैक्सिमम थी वही आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका दूसरा तरीका ये है, अच्छा क्यों ऐसा है, व्हाई इट इज सो, दिस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ट्रेड ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर अगेंस्ट हायर रिस्क, द टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ लिवरेज आर एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द डेट्स रिस्क रिलेटेड कॉस्ट। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो क्या चीज है, क्या चीज है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में आई थी स्लाइड टारगेट कैपिटल। हाँ बिल्कुल, जो हमने प्लान किया था, जो हमने सोचा था कि जी हम बिजनेस के अंदर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, इतना डेट होगा और इतना इक्विटी, वो हमारा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बेस्ट बेस्ट हुआ जहां पे आपकी स्टॉक प्राइस बेस्ट है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है यानी ऑप्टिमल बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो है, वही है ना, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जहां पे आपका जो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी है या अर्निंग पर शेयर है दैट इज ट्रेडेड, यानी वो जो आपके टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ लीवरेज आर एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द डेट्स रिस्क रिलेटेड कॉस्ट, दोनों बराबर हो गए ना आपके, यानी आपने लोन लिया उसकी वजह से आपको रिस्क आया, लेकिन उसकी वजह से एग्जैक्टली आपके रिटर्न ऑन इक्विटी भी उस हिसाब से बढ़ गया, तो दोनों आपके ऑफसेट हो गए, बराबर हो गए, तो उसको हम कहेंगे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक प्राइस को आप देख लें, मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी थी, जहां पे मैक्सिमम थी वो आपका ऑप्टिमल। दूसरा उसका ये कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको ऐड कर लें, तो वो जो आपके जहां पे मिनिमम आएगा, जो जिस पॉइंट पे आपका मिनिमम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है वेट ऑफ डेट या वेट ऑफ इक्विटी का, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बन गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, तो फिर उसका हाँ उसको भी शामिल करेंगे, लेकिन जनरली होता नहीं है तो इसलिए उसको जिंदगी को आसान कर देने का उसको निकाल दें। तो वेट ऑफ वेटेड एवरेज सॉरी वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों की कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू देयर वेटेड एवरेज, उन दोनों को ऐड कर लें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ये दो तरीके से आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा प्रैक्टिकली स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, खासतौर पे पाकिस्तान में आप देख लें, कोई माई का लाल प्रिडिक्ट करके बता दे स्टॉक प्राइस को, कोई पता नहीं लगता ना, मतलब कभी गवर्नमेंट इनकी चेंज हुई तो वो बैठ गया स्टॉक मार्केट, एक अच्छी खबर आई तो मतलब वो हाँ वो र्यूमर्स पे चलता ना, और सो मैनी फैक्टर्स, यानी अगर आप उसके फैक्टर्स जो स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करते हैं तो वो तो सैकड़ों ही फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, सिर्फ ये नहीं कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो ज़रा मुश्किल काम है स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना। लेकिन प्रिडिक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो थोड़ा प्रैक्टिकली आसान काम है, तो जनरली कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, यही बात यहाँ पे। वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट जो बताया आपको, द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेज द स्टॉक प्राइस इज द, अच्छा आंसर दोनों का सेम ही आना चाहिए, जहाँ पे आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमम होगी वहीं आपकी क्रेडिट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम होगी, सेम। सिंस इट इज इजी टू प्रिडिक्ट हाउ अ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज विल इफेक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
then the stock price. Many managers use the predicted changes in the weighted average cost of capital to guide their capital structure decision. ठीक है ना, वो predict करना आसान है comparatively. क्या हुआ, आगे नहीं गया? ये जो दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आता है, लेकिन मैंने बताया ना कि स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रिडिक्ट करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है. तो इसलिए मैनी मैनेजर्स यूज द प्रिडिक्टेड चेंजेस इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू गाइड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. ओके, व्हाट इफेक्ट, सॉरी, What effect does more debt have on a firm's cost of equity? अभी तक तो समझ आ गई होगी बात, काफी डिटेल से डिस्कस हो गया कि डेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ एक्विटी भी बढ़ जाता है. सही है ना? तो ये यानी अगर आप कहते हैं कि जी हम लोन की तरफ जा रहे हैं, लोन की तो कॉस्ट है ही है, लेकिन उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विटी भी बढ़ जाता है. सो इफ द लेवल ऑफ डेट इंक्रीजेस, द रिस्की, वजह उसकी ये है, जब आपका डेट बढ़ता है तो रिस्कीनेस ऑफ द फर्म इंक्रीज, फर्म का रिस्क बढ़ जाता है. वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि पीछे हमने कैलकुलेशंस करके देखा था. हाउएवर द रिस्कीनेस ऑफ द फर्म्स इक्विटी ऑल्सो इंक्रीजेस. जो शेयर होल्डर्स, उनका रिस्क बढ़ा ना लोन लेने से, रिस्क तो शेयर होल्डर्स के बढ़ा है. जो वो तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो जिसने लोन दिया है उसने तो कुछ अपनी सिक्योरिटी भी रख ली है, उसको अपना लोन की भी रिटर्न होने की जो है उसके पास गारंटी है, और उसने इंटरेस्ट भी लेना है आपसे, तो उसके तो वो तो सिक्योर चल रहा है. मसला तो इधर है जिन्होंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. इसलिए जब रिस्क बढ़ता है फर्म का तो रिटर्न जो है वो रिटर्न ऑन स्टॉक, RS, क्या है रिटर्न ऑन स्टॉक, RD, रिटर्न ऑन डेट या कॉस्ट ऑफ डेट, RS, रिटर्न ऑन स्टॉक या कॉस्ट ऑफ स्टॉक या इक्विटी, तो रिटर्न ऑन स्टॉक ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर आप अच्छा रिकैपिटलाइजेशन ये आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारा डेट बढ़ जाए इक्विटी कम हो जाए, रिकैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप कर सकते हैं? यानी आप एक सर्टन डेट, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है, आप उसमें चेंजेस लाना चाह रहे हैं, डेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, इक्विटी को कम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट आर, हाँ, डेट और ले लेंगे. फर्म अनाउंसेस द रिकैपिटलाइजेशन, पहले तो फर्म अपना जो है ना वो पॉलिसी बताएगी या अनाउंस करेगी कि जी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं. न्यू डेट इज इशूड, लोन लेंगे, वो जो आप लोन लेंगे उसकी वजह से, उससे आप क्या करेंगे, आप अपने शेयर्स परचेज कर लेंगे. लोन बढ़ गया, शेयर्स कम हो गया ना, शेयर्स मार्केट से उठा लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स रीपरचेज, कितने शेयर्स आप उठा सकते हैं, इट डिपेंड्स कि जी शेयर की प्राइस कितनी है. सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, इतने शेयर, और जितना आपने लोन लिया है उस लोन के अंदर आप कितने शेयर्स ले सकते हैं, वो शेयर्स आप ले लेंगे, इधर से लोन की अमाउंट बढ़ गई, उधर से शेयर की कम हो गया ना, इक्विटी कम हो गई, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिकैपिटलाइज हो गया, चेंज हो गया. ये इसकी एग्जांपल, हाँ, नंबर ऑफ शेयर कम हो गया ना, नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो इक्विटी भी कम हो गई. ये इसकी एग्जांपल है किस तरह से हम कर सकते हैं रिकैपिटलाइजेशन एट वेरियस डेट लेवल्स एंड डिटरमिन द अर्निंग पर शेयर एंड. एक ही चीज है, दूसरी कौन सी है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, वो तो कोई नहीं होती, वो तो नहीं होती शेयर, जो कंपनी है कॉर्पोरेट में जो है वो शेयर्स ही होते हैं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में है, उसमें शेयर्स नहीं है, दोनों में फर्क है. अच्छा जी, एनालाइज द रिकैपिटलाइजेशन एट वेरियस डेट लेवल्स एंड डिटरमिन द अर्निंग पर शेयर एंड टाइम इंटरेस्ट एट ईच लेवल. एग्जाम्पल अगेन, दिस इज अ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी है जिसमें डेट जो है जीरो है, कोई डेट उनके पास नहीं है, 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, अर्निंग पर शेयर का क्या फॉर्मूला होगा जी, नेट इनकम
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम हमने कैसे निकाली है, ये ऊपर जो सारी कहानी है ना, ईबीआईटी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टी, ये क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ये वही आ गया ना, तो नेट इनकम आ गया, नेट इनकम आ गया। तो ये सारा नेट इनकम कैलकुलेट करने का तरीका वारदात हो गया। हमारे पास ईबीआईटी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट एक्सपेंस, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करें तो इंटरेस्ट है ही नहीं है, जीरो है ना, इसका मतलब ये 400,000 हमारा क्या, ये ईबीआईटी है, मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टी, तो टैक्स रेट कितना हो गया, 40%।